नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा जाना था कि रजिया सुल्तान की मृत्यु हो चुकी थी बहराम शाह द्वारा, और अगला सुल्तान बहराम शाह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहराम शाह 1240 से 1242 तक करेगा। तो इसने जो दल चलीसा का हेड था, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इसने दल चलीसा का जो हेड, जिसको बोला जाता है नायाब ए मुमलाकत, बनाया था ऐतगीन को। हमने पिछले वीडियो में जाना था ऐतगीन और अल्तुनिया के बारे में। जो ऐतगीन था वह इक्तदार था बदायूं का, और जो अल्तुनिया था वह भटिंडा का था, पंजाब का। यह बदायूं का था, बदायूं। तो और इसके बारे में जाना जा इस इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट अटैक ही इसी के फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोल्स ही बहराम शाह के समय हुआ था। और सबसे पहले मंगोल आए थे इल्तुतमिश के समय, लेकिन उस समय कोई अटैक नहीं था, केवल जलालुद्दीन मंगमरनी की हत्या के उद्देश्य से आए थे। लेकिन इस बार बहराम शाह के समय अटैक करने के लिए आए थे। और इसी और 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या हो गई रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे मसूद शाह द्वारा। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था। और अगला सुल्तान जो 1242 से 1246 तक करेगा वह मसूद शाह करेगा, लेकिन ये अयोग्य था। अगला सुल्तान जो बनेगा वह बनेगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। यह 1246 से 1265 ईस्वी तक शासन करेगा। यह भी अयोग्य था, लेकिन इसका जो वजीर था, प्रधानमंत्री था, वह बलबन, एक्चुअली प्रैक्टिकली बलबन ही शासन करता था, नाम मात्र का केवल महमूद राजा था। तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, लेकिन जो वजीर था उसका बलबन था, वहीं प्रैक्टिकली शासन करता था। तो 1246 से 1265 ईस्वी तक नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद के सारे उत्तराधिकारियों को मारकर 1265 से 1287 तक ये बलबन, जो गयासुद्दीन बलबन के नाम से शासन करेगा। तो इन बलबन बड़ा ही सातिर, और इसने सबसे पहला काम किया कि एबॉलिशन ऑफ दल चलीसा। इसने यह जानता था कि जितना भी फसाद है वह दल चलीसा ही है, क्योंकि दल चलीसा के ही कारण बहराम शाह ने रजिया सुल्तान की मृत्यु कराई थी। इसलिए इसने इस दल चलीसा का ही अंत कर दिया, एबॉलिशन ऑफ दल चलीसा का अंत एक मिशन पर भेजकर पीछे से सैनिकों द्वारा वार कराकर पूरे दल चलीसा को इसने ख़त्म करा दिया। और इसने एक और पॉलिसी अपनाई थी अपने साम्राज्य में, अपने पॉलिसी ऑफ लव आयरन एंड ब्लड, जिसे लव और बोलते हैं, लव एवं की नीति। इसने पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, लव और रक्त की नीति। लव और रक्त की नीति का मतलब होता है कि आप यदि आराम से बात नहीं मानेंगे तो आपका सिर अलग कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जो राजा की बात है वो माननी होगी। और इसने एक और सिस्टम की किया था कि सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। ये सिजदा और पाइबोस का मतलब होता है कि जब भी दरबार में आना है तो घुटने के बल आना है, सिर झुकाकर आना है, और सबसे पहले पांव आपकर चुमना है, उसके बाद कोई बात होगी। तो यह सिजदा और पाइबोस की नीति भी बलबन के द्वारा ही चालू की गई थी। इसने एक नया फेस्टिवल, न्यू फेस्टिवल, नवरोज की शुरुआत की थी। नवरोज, यह नवरोज 21 मार्च को मनाया जाता है। यह एक पर्शियन न्यू फेस्टिवल है, जैसे न्यू ईयर होता है वैसे पर्शियन न्यू ईयर होता है नवरोज। तो इस 1287 ईस्वी में सेकेंड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स होता है, मंगोलों का द्वितीय आक्रमण। इस युद्ध में बलबन का बेटा शहजादा मर गया। यह दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा शासक था, एक ऐसा सुल्तान था जिसने पुत्र वियोग में मर गया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में पुत्र वियोग में मरने वाला सुल्तान बलबन था। यह एक इम्पोर्टेंट
ये इसका टाइटल जील ए इलाही था। इस यह अपने आप को अल्लाह की परछाई मानता था, जिसको बोला जाता है जील ए इलाही, अल्लाह की परछाई, शैडो ऑफ गॉड, जिसके लिए इसकी जो उपाधि मिली थी जील ए इलाही की। और इसका जो टॉम्ब है वह दिल्ली में ही है। और इसके बाद 1287 में, चूँकि इसका बेटा मर गया था, तो 1287 से 1290 तक कैकुबाद, जो बलबन का पोता था, पोता बलबन का, वह शासन करता है। लेकिन यह अयोग्य शासन था, डरपोक था, अयोग्य था। तो इसी को हटाकर कैमूर्स, यह जो कैमूर्स है वह लास्ट सुल्तान है। और यह लास्ट सुल्तान है जो 1290 तक, 1290 में शासन करेगा, लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है, तो वह है कैमूर्स, जो कैकुबाद को हटाकर बनता है। और कैमूर्स की हत्या करके, कैमूर्स की हत्या करके, हत्या करके मलिक फिरोज ने, मलिक फिरोज, ये मलिक फिरोज कौन था, तो पंजाब का इक्तेदार, उन्हीं जलालुद्दीन फिरोज के नाम से, जलालुद्दीन, मलिक फिरोज ने कैमूर्स की हत्या करके, मलिक फिरोज पंजाब का इक्तेदार था, खिलजी वंश की स्थापना करेगा, जो अगले वीडियो में जानेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से खिलजी वंश की स्थापना करेगा, इसी का नाम है मलिक फिरोज का, जलालुद्दीन खिलजी। तो अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे।